नमस्कार, आप देख रहे हैं एचसीए न्यूज और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। देश की राजधानी दिल्ली और हुकूमत की नगरी, जिसे सियासत के बड़े बड़े पैरोकारों से लेकर सरकारी बाबू इस बात को बताते फिरते रहते हैं कि मैं ही इस देश को चलाता हूं। लेकिन भला ऐसे कौन चलाता है? अब आप भी पूछिएगा कैसे। दिल्ली का उत्तर पूर्वी इलाका आज एक उम्मीद के सहारे जी रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ठीक करेगा कौन? वो जो अब अमन और चैन की पाठ पढ़ाएगा, जिसके ऊपर राजधानी को चलाने का जिम्मा है, वो बस मुआवजे का ऐलान कर देता है, जिसे हम मीडिया की भाषा में कहते हैं मौत पर मुआवजे का मरहम। क्या मुआवजे से जिस माँ के आंचल से उसका लाल चला गया वो वापस लौट आएगा? क्या जिसका पति आज शमशान में दफन हो गया वो कभी अपनी महबूबा के पास लौट आएगा? नहीं आएगा साहब, नहीं आएगा। देश के वजीर आजम सुलगते दिल्ली पर एक ट्वीट कर पल्ला झाड़ लेते हैं। दिल्ली को बचाने की जरूरत है, दिल्ली को अब बसाने की जरूरत है, सब अपने काम में मस्त हैं, दिल्ली जल रही है और साहब रामराज के राज्य उत्तर प्रदेश में विकास की नई गंगा बह रहे हैं। जिनके जिम्मे आती है दिल्ली पुलिस और प्रशासन, वो उड़ीसा में महारैली को संबोधित करते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि अब दिल्ली को सुलगने से कौन बचाएगा? होली में भी देरी है साहब, लेकिन जिस खून की होली दिल्ली में खेली गई उसका जख्म और धब्बा अखबारों के पन्नों में ऐसे छपा जैसे कोई त्रासदी का सैलाब हवा में उड़ता हुआ आया है और किसी को पता ही नहीं था। कैसे पता रहता इतने व्यस्त जो थे। सबसे मजबूत मुल्क के मेहमान के स्वागत में प्रशासन व्यस्त था, मंत्री इंतजार में थे राष्ट्रपति भवन में डिनर टेबल पर बैठने को। किसी ने सोचा नहीं था उस मासूम के बारे में जिसके सर पर पिता रूपी बाप का चादर जलकर राख हो गया। एक महिला के हाथ से मेहंदी का रंग हमेशा के लिए उजर गया। बूढ़ी अम्मा का वो बेटा अब इस धरती पर एक चित्र में लिपटा हुआ दीवारों पर लटका है। आखिर कौन है इसका कसूरवार? किसके माथे पर लगेगा कलंक का टीका? मैं पूछता हूं कि वो चेहरा जिसके जख्म अनंत काल तक रिसते रहेंगे, वो चेहरा जिसके जख्म शायद कभी नहीं सूखेंगे। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि दुनिया कैसे बदलने वाली है। यह हिंसा आगजनी ऐसे समय हुई जब अगले ही दिन यानी मंगलवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दिल्ली में पूरे दिन का कार्यक्रम पहले से ही तय था। सोमवार को हिंसा और आगजनी की तस्वीरें में साफ दिखाई दे रहा है कि प्रदर्शनकारी ने पुलिस के साथ बनी मजार में आग लगाई। अन्य तस्वीरों में पेट्रोल पंप, कई गाड़ियां, दुकानें और यहां तक कि कुछ मकानें भी जलते हुई नजर आ रही है। क्या दिल्ली पुलिस को अंदाजा नहीं था कि जाफराबाद इलाके में पहले से ही जारी विरोध प्रदर्शन इस अंजाम तक पहुंच सकता है? क्या दिल्ली पुलिस अपना खुफिया तंत्र इस हद तक सुस्त था कि उन्हें भनक तक नहीं लगी कि राष्ट्रपति ट्रंप के आने से पहले दिल्ली में हिंसा और आगजनी से तनाव से इतना अधिक बढ़ सकता है? अब यह सवाल जरूर है कि पुलिस ने जितनी जवाबी कार्रवाई की उसमें जितनी सख्ती होनी चाहिए थी उतनी नहीं थी। टीवी फुटेज के आधार पर नहीं कहा जा सकता। जहां तक पुलिस तंत्र को मजबूत और बेहतर बनाने की बात है, ये गुंजाइश तो हमेशा रहती है, लेकिन पुलिस यदि हिंसा को काबू नहीं कर पाती है तो ये जरूर मानना जाएगा कि पुलिस कहीं ना कहीं फेल हो गई। आज इस खबर को बताने की होर मची है। हर एक दूसरे से पूछ रहा है कि हुआ क्या था, किसने किया था और कब किया था। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, मीडिया में टीआरपी का होर मचा है। आज जहां इंसान की जिंदगी जीरो हो गई, वही मीडिया के लिए ग्राउंड जीरो हो गया। सुनिए, अगर पहली हत्या मौत होती है तो दूसरी हत्या संख्या बन जाती है, और यही दिल्ली में हुआ। हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई, कोई धर्म, कोई मजहब कभी गलत नहीं सिखाता। जिन्होंने ऐसे किया, जिन्होंने ऐसा सुलूक किया, निहत्थे आदमी को तलवार से मारा गया, लाठियों से मारा गया, रॉड से मारा गया। ऐसे लोगों को इंसानियत का दुश्मन और दरिंदा ही कहा जाएगा। उन्हें किसी धर्म से जोड़ना मैं ठीक नहीं समझता हूँ। मैं नहीं कह सकता कि हिंदुओं ने ऐसा किया। ऐसा करने वाला न कोई हिंदू हो सकता है और ना ही मुसलमान। सवाल तो सच में मन में कई उठते हैं कि दिल्ली पुलिस इसकी जिम्मेदार है, क्या भारत सरकार इसका जिम्मेदार है और क्या दिल्ली सरकार इसकी जिम्मेदार है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताएं। और जो दर्शक एचसीए न्यूज़ पहली बार देख रहे हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।